सतपाल सत्ती द्वारा कांग्रेस के एजेंडे को देशद्रोही और भाजपा के एजेंडे को राष्ट्रवादी तथा नेता प्रतिपक्ष के नशे का सरगना कहने पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कांग्रेस प्रवक्ता प्रेम कौशल ने कहा कि ऐसा लगता है कि सत्ती नशे की हालत में इस तरह की बयानबाजी करते हैं, क्योंकि होशो हवास में कोई भी नेता इस तरह की बेसिर पैर बयानबाजी नहीं कर सकता। सतपाल सत्ती द्वारा कांग्रेस के एजेंडे को देशद्रोही और भाजपा के एजेंडे को राष्ट्रवादी तथा नेता प्रतिपक्ष को नशे का सरगना कहने पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कांग्रेस प्रवक्ता प्रेम कौशल ने कहा कि ऐसा लगता है कि सत्ती नशे की हालत में इस तरह की बयानबाजी करते हैं, क्योंकि होशो हवास में कोई भी नेता इस तरह की बेसिर पैर बयानबाजी नहीं कर सकता। कभी गाली निकालते हैं, कभी महिलाओं के लिए अपशब्द बोलते हैं, कभी हाथ काटने की धमकियां देते हैं, तो कभी समाज सेवा में जुटे राधा स्वामी समाज को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी करते हैं। सतपाल सत्ती का यह आचरण यही दर्शाता है कि वे या तो नशे की हालत में ऐसी बयानबाजी करते हैं या फिर किसी भयानक मानसिक रोग से ग्रसित हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा के शासनकाल में नशे के कारोबार ने उद्योग की शक्ल इख्तियार कर ली है तथा आए दिन नशीले पदार्थों के सेवन से युवा मृत्यु के आगोश में जा रहे हैं, परंतु भाजपा और उसके अध्यक्ष को इससे कोई सरोकार नहीं। वह तो उसके ऊपर भी राजनीतिक बयानबाजी करने में व्यस्त हैं, जो कि निंदनीय है। प्रेम कौशल ने प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के उस बयान पर, जिसमें उन्होंने पूर्व में सरकारों के बदलने पर एक दूसरे के विरुद्ध मुकदमे बनाने की परिपाटी का जिक्र किया है, चुटकी लेते हुए कहा कि शायद मुख्यमंत्री के निशाने पर प्रेम कुमार धूमल रहे होंगे। मुख्यमंत्री के उस कथन पर, जिसमें उन्होंने चुनावों में देश के गांधी मुक्त होने की बात कही है, उस पर पलटवार करते हुए कहा कि उनका बयान अहंकार से भरा है और सच्चाई यह है कि इन चुनावों में देश भाजपा एवं मोदी मुक्त होने जा रहा है। देश भाजपा अध्यक्ष सतपाल सत्ती का आज एक बयान आया, जिसमें उन्होंने कांग्रेस के एजेंडे को देशद्रोही, भाजपा के एजेंडे को राष्ट्रवादी तथा नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री को नशे का सरगना करा दिया है। उनका यह बयान न केवल दुर्भाग्यपूर्ण है, अभी तो ऐसा प्रतीत होता है कि सतपाल सती किसी नशे की हालत में इस तरह की बयानबाजी करती है। कभी हाथ पैर तोड़ने की बात करते हैं, कभी माँ बहन की गाली निकालते हैं, कभी नारी शक्ति का अपमान करने वाली टिप्पणियां करते हैं, कभी समाज सेवा में जुटे राधा स्वामी समाज को लेके आपत्तिजनक टिप्पणी करते हैं, और आज जिस तरीके की टिप्पणियां उन्होंने कांग्रेस के प्रति, नेता प्रतिपक्ष के प्रति की हैं, उनसे यही लगता है कि कहीं ना कहीं सतपाल सत्ती या तो नशे की हालत में बयानबाजी करते हैं या किसी भयंकर मानसिक रोग से वो ग्रसित है, अन्यथा कोई भी स्वस्थ व्यक्ति या होशो हवास में कोई नेता इस तरह की बयानबाजी नहीं कर सकता। आज प्रदेश के अंदर जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार सत्तासीन हुई है, नशे का कारोबार जो है उद्योग की शक्ल अख्तियार करता जा रहा है। उसके प्रति संवेदनशील रुख अख्तियार करने की बजाय जो हमारे युवा हैं उनको इस नशे के चंगुल से बचाने की बजाय सतपाल सत्ती इस तरह के संवेदनशील और एक ऐसा विषय जिससे हर किसी नागरिक का संबंध है, जो हर किसी नागरिक को, हर व्यक्ति को विचलित करने वाला है, उसके ऊपर राजनीतिक बयानबाजी कर रहे हैं, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और इसी के साथ मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी ने भी कल कहीं जनसभा में कहा है कि पहले सरकारें बदलती थी तो एक दूसरे के खिलाफ मुकदमे दर्ज होते थे। मुझे लगता है उनका ये बयान जो है उसमें उनका इशारा पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल की तरफ है, उनके निशाने पर वही होंगे। और एक चीज़ उन्होंने और कही है कि इस चुनाव में देश जो है वो गांधी मुक्त होने जा रहा है। जयराम जी का ये बयान अहंकार से भरपूर है, अहंकार पूर्ण है, लोकतंत्र है, मतदान हो रहा है, और इस बार तो ऐसा प्रतीत होता है कि इन चुनावों में देश गांधी मुक्त नहीं, अपितु भाजपा और
मोदी मुक्त होने जा रहे हैं। अब वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, आइए मिलते हैं ब्रेक के बाद।